मित्रों, हर इंसान पैसा कमाने के लिए काफी मेहनत करता है और मेहनत की तुले उसे जितना पैसा मिलना चाहिए उनके भाग्य में वो पैसा नहीं मिल पाते। उनके भाग्य में पैसे तो लिखे होते हैं लेकिन दोस्तों किसी कारणवश उन्हें नहीं मिल पाते। तो आज मैं आप लोगों को ज्योतिष उपाय बताऊंगा, तंत्र शास्त्र में दी हुई जानकारी बताऊंगा जिससे धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है, और 8 उपाय बताऊंगा। 8 उपाय में से कोई भी आप 1 उपाय करके धन की प्राप्ति कर सकते हैं, धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं, और यह उपाय भी करना बहुत ही आसान है। इन उपायों को करें और अपने जो दोस्तों सोए हुए किस्मत उजागर कर सकते हैं। हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम सब आप सभी मित्रों को वही सरल उपाय बताते हैं जो कि साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता रहूं तो आप मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते। तो 8 उपाय बता रहा हूं, ये 8 उपाय किसी पेन कॉपी में नोट करके रख ले, यह जानकारी बाद में काम आएंगे। पहला है, देवी लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा पर रोज अगर केसर का तिलक लगाते हैं तो इससे सालों साल पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है। पहला उपाय है डेली के लगाना है, जो लोग अगर ब्राह्मण है डेली के लगाते हैं तो गरीबी दूर हो जाते हैं, और पूरे विश्वास के साथ लगाना चाहिए क्योंकि केसर माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। दूसरा, अचानक धन प्राप्ति करने के लिए आप अपने मनोकामना बोलते हुए बरगद की जो जटें रहती हैं उसमें गांठ बांध दें, और यह उपाय हम पहले भी बता चुके हैं। तो बरगद की जो जटें होती हैं उसमें गांठ बांधते समय अपनी मनोकामना बोलना है। अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो धन प्राप्त करने के लिए मनोकामना बोल सकते हैं और बांध दीजिए, इसके गांठे लगा दीजिए, बरगद की जो जटें रहती है उसके गांठे लगा दीजिए, और जैसे आपकी जो भी इच्छा पूरी हो जाती है, धन लाभ आपको हो जाते हैं, तो सबको खोलना भी जरूरी है। तीसरा, काला हल्दी को सिंदूर व धूप दे करके या 1 सिक्के उसमें डाल करके लपेट ले, उसे तिजोरी में रख दे, इससे भी धन लाभ होता है क्योंकि काला हल्दी साक्षात लक्ष्मी है और जहाँ पे लक्ष्मी वहाँ पे धन खींचे चले जाते हैं। चौथा, 11 कौड़ी ले और उसे शुद्ध केसर में रंगा करके पीले कपड़े में बांध करके धन स्थान पर रख दे, इससे भी धन की बढ़ोतरी होती है, धन योग बनते हैं। पांचवा है, घर के मुख्य दरवाजे पर रोज सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अगर घी के तेल का दीपक जलाते हैं तो इसमें संभावना धन प्राप्ति करने का बढ़ जाते हैं। यदि दीपक बुझ जाते हैं किसी कारणवश तो बचे हुए तेल को पीपल पर चढ़ा सकते हैं, इससे भी धन प्राप्ति होता है। छठवा है, मोती संघ का चूना पानी में मिलाकर के प्रतिदिन इसे माँ लक्ष्मी को स्नान करवाएं तो माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, धन संबंधी समस्या को दूर कर देती हैं। सातवां है, माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें और रोज इनकी पूजा करें, इससे भी धन प्राप्ति करने के योग बनते हैं क्योंकि कमल गट्टे माँ लक्ष्मी को काफी प्रिय है और माँ लक्ष्मी कमल पर ही वास करती है। आठवां पदक बता रहा हूँ, जो लोग अगर अचानक से धन प्राप्ति करना चाहते हैं, काफी मेहनत करने के बाद भी धन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो धनदायक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, श्री यंत्र, जिसे हम धनदायक यंत्र भी बोलते हैं। श्री यंत्र अपने पर्स में हमेशा लेकर के चले, अगर श्री यंत्र आप हमेशा अपने पर्स में लेकर के चलते हैं तो कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। श्री यंत्र अपने साथ में हमेशा रखे। जो लोग ज्यादा निर्धन अगर वो लोग श्री यंत्रों को गले में पहन लेते हैं, छोटा श्री यंत्र आते हैं अगर गले में धारण कर लेते हैं तो इससे भी धन की प्राप्ति होती है। और श्री यंत्र धारण करने से पहले इसे गंगा जल अक्षत गौमूत्र का छीटा कुमकुम केसर तिलक अवश्य लगाएं, इसके बाद इसे धारण करें, आपकी जिंदगी दोस्तों देखना बदल जाएंगे। तो 8 उपाय में से कोई भी आप 1 उपाय करके धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।